हायर एजुकेशन में एज सच योजनाओं को अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट योजना है जो बच्चियों के लिए जो राज्य सरकार ने चलाई है, जिसमें अगर हमारी गर्ल्स जो कॉलेजेस के अंदर जाती हैं और लोग अच्छे तरीके से उन लोगों का एजुकेशन, वो लोग अपना मेरिट के अंदर आती हैं तो उन लोगों को स्कूटी दी जाती है। तो ये एक योजना है जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को स्कूटी देने का, जो मेरिटियस बच्चियाँ हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती हैं उन लोगों को देने का किया है। इसके अलावा हमारे मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 100 स्कूटीज़ का वितरण होता है सभी कॉलेजेस के अंदर। और इसके अलावा हमारे जो बच्चियां हैं उन लोगों को एक तरह से फ्री एजुकेशन ही हुआ है, बिकॉज़ वो जब स्कूल में कॉलेज में आती है स्कूल से तो वो लोगों को जो फीस है उनकी, वो फीस उनके रिम्बर्समेंट हो जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो ये एक है कि लड़कियों का फ्री एजुकेशन हुआ है, एक बार तो फीस देते हैं लेकिन 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर उनको रिइम्बर्समेंट हो जाता है, तो वो फीस उनकी माफ़ हो जाती है। इसी तरीके से SC ST OBC SBC इन सब के बच्चों के लिए भी इसी तरीके की स्कॉलरशिप योजना है, जहाँ पे कॉलेज एजुकेशन के लिए उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो स्कॉलरशिप फुल पेमेंट होता है उनको, इसलिए एक तरह से फ्री एजुकेशन हो गया राजस्थान में। तो ये कुछ अच्छी स्कीम्स हैं। हम लोगों ने कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा खोले हैं, ज़्यादा करके ध्यान रखा है कि SDO लेवल के ऊपर हम कॉलेजेस खोलें, सो दैट वहाँ पे 12th के बाद में जो बच्चों को जो एक अप्रोचेबल कॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत दूर तक जिले मुख्यालय पे पहले कॉलेजेस होते थे, अब जिला मुख्यालय पर नहीं करके और उन लोगों को SDO मुख्यालय के ऊपर कॉलेजेस कर दिया, जिससे कि उनको पढ़ने के लिए आसानी से अप्रोचेबल हो सके उनकी कॉलेज एजुकेशन। इस दृष्टि से कॉलेज को भी अप्रोचेबल प्लेसेस पे रखा है। देश भर में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति क्या है और भविष्य की आपकी योजनाएं क्या हैं, आप कहाँ देखती हैं इसको? बहुत कुछ है हायर एजुकेशन में करने के लिए। आज भी अगर हम परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो स्कूल एजुकेशन से डे बाय डे, जैसे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी एजुकेशन जो है उससे सेकेंडरी में आते हैं तो बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर कॉलेज के लिए आते हैं 12th पास करने के लिए, 10th से 12th उसमें ड्रॉप आउट होते हैं, 12th से फिर कॉलेज में आते हैं तो उसमें। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक जब बच्चा पढ़ने के लिए पहुँचता है तब तक 17% ही बच्चे पहुँच पाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, बाकी बच्चे सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जो 17.6% के करीब है तो ये परसेंटेज बहुत ही कम है। हमें लगता है कि हायर एजुकेशन एंड टू एंड, यानी जब बच्चे को हम पढ़ने भेजते हैं स्कूल के अंदर, दाखिला कराते हैं उसका, और वो इसलिए कि ये बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होगा, और फिर उसको जब वो ड्रॉप आउट होने शुरू हो जाते हैं, 8वीं में ड्रॉप आउट हो गए, 10वीं में ड्रॉप आउट हो गए, 12वीं में हो गए, तो ये लगता है कि कॉलेज तक जाते हुए मात्र 17% बच्चे ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया कि इसको हम कैसे सुधारें, और जब तक वो कॉलेज में नहीं जाएगा तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसलिए जो जो हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया है, अब हायर एजुकेशन पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, उस पोर्टल के अंदर हम स्कूल एजुकेशन का पोर्टल हमारा बन गया है, अब हायर एजुकेशन का पोर्टल बन रहा है, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हुए फिर सेकेंड ईयर में ये जो ड्रॉप आउट्स है वाई दे आर, उसका क्या है, ड्रॉप आउट्स होने के रीज़न क्या हैं और ड्रॉप आउट्स कितने हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, और फाइनली जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया तो उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो उसका रहा, तो ये सारी चीज़ों को वर्क करते हुए ये पूरा पोर्टल होगा कि उसका कॉलेज से एडमिशन से लेकर और उसकी जॉब लगे तब तक की पूरा उस बच्चे के ऊपर सारी चीज़ों का उसका स्टडी रहेगा। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। ये पोर्टल अपने आप में बहुत अच्छा दिशा देने वाला होगा, जहाँ पर हम लोग उससे दिशा भी ले सकेंगे कि कहाँ हमारे बच्चे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग और आगे उनके लिए क्या कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं उससे? तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसके बहुत सारे नए सिलेबस बनाए जा रहे हैं, और ये जो नए सिलेबस बन रहे हैं ये इस दृष्टि से ही बन रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है उन लोगों के साथ में इंट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग,
और केवल एक स्टेट लेवल पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि उस इंटरेक्शन को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग इंडस्ट्रीज़ हैं और उन इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेबस भी बन रहे हैं। और एज ए होल राजस्थान को देखते हुए हम लोग जो सिलेबस बना रहे हैं, उसमें आने वाले समय में हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, स्पेशलाइज प्लेसेस के ऊपर करेंगे। कुछ एरिया जैसे हम जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल का है, तो वहाँ पे पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स उसी के ऊपर बेस्ड होगा। कोई मैकेनिकल एरिया है, मैकेनिकल साइड है, तो उसको पूरा हम लोग, जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो अपना अलवर और ये सारी साइड जो है वो जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, और हमारा जो जोन आ रहा है पूरा इसका रिको का और इन लोगों का जो आ रहा है इंडस्ट्री जोन, उस इंडस्ट्री जोन में जो आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम लोग किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आने वाले समय में उनकी होगी, तो उस तरीके का स्पेशलाइज जोन जो बन रहा है, वो स्पेशलाइज जोन के अकॉर्डिंगली वहाँ के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की वहाँ की सिलेबस होगा। तो ये एक कर रहे हैं। और फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, जो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑल ओवर इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके के बच्चों को उनकी चाहत है, ज़रूरत है, उसी तरीके के अगर हमारे यहाँ पर है, तो उन लोगों के साथ में वो प्लेसमेंट सेल इंटरेक्ट करके उन बच्चों के इंटरव्यूज़ कराएगा। और इंटरव्यूज़ कराने से पहले उनको जो ट्रेनिंग दी जानी है, वो ट्रेनिंग का पार्ट भी हमारा कॉलेज के अंदर ही, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हमारा थर्ड एंड आई मीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर जो होंगे, वो लास्ट के 2 साल जो रहेंगे, वो उसी चीज़ की तैयारी करेगा। मेरा अगला सवाल इसी पे था कि अच्छी शिक्षा के साथ रोजगार भी ज़रूरी है, तो उस प्लेसमेंट के लिए जो बेहतरीन मिले, उसमें क्या विज़न आप और साथ में जोड़े पूरे उच्च शिक्षा को देखते हैं, न केवल तकनीकी है इसमें? देखिए, टोटल अगर एजुकेशन तकनीकी, तो मैंने कहा कि हम लोग जो प्लेसमेंट सेल बनाएंगे वो इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होकर और पब्लिक कम्युनिटी कम्युनिटी इंटरेक्शन और सारा सब कुछ करके, बट एट द सेम टाइम हायर एजुकेशन के अंदर जो हम देखते हैं, एक बच्चा बीए पास करके निकलता है, बीकॉम पास करके निकलता है, फिर वो सोचता है कि या तो बीए है तो अब मुझे टीचर की लाइन में जाना है, तो मैं बीएड कर लेता हूँ तो मैं मुझे टीचर की नौकरी मिल जाएगी, या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद में हो सकता है मुझे आगे कहीं लेक्चरारशिप में और इसमें मेरी एलिजिबिलिटी बन जाए। लेकिन इस सब के अलावा उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि पोस्ट ग्रेजुएट ही करे बच्चा, बट अगर वो ग्रेजुएट होने के बाद में भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए कुछ स्किल कोर्सेज हम लोग कॉलेज के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो कॉलेज के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, वो उनके फैकल्टी वाइज होंगे। लाइक आर्ट्स के अगर है, तो आर्ट्स के अंदर किस टाइप के स्किल कोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे कि वो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो आर्ट्स करने के बाद जब निकलता है, तो वो स्किल के साथ में उसकी स्टडीज़ भी काम आई और उसने कुछ करा। कॉमर्स का बच्चा है, तो कॉमर्स की स्किल क्या हो सकती है, जैसे अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पर, और इंटर्नशिप करा के उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने का, ये सब पार्ट भी हम हमारे कॉलेज स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी बात भी हुई है। इग्नू जो है, जो केंद्र सरकार का ही प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम लोग ये स्किल कोर्सेज हमारे बच्चों को कॉलेजेस में कराएंगे। और AICT जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है, वो इंजीनियरिंग एजुकेशन का, उसके अंदर हम लोगों ने उनको साथ में लेकर हम हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ये स्किल कोर्सेज करा रहे हैं। तो दोनों तरीके से केंद्र की मदद से हम ये स्किल कोर्सेज हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमने तय किया है इस साल से शुरू करने का। क्वालिटी एजुकेशन हो, और जिस तरह से अभी निजी विश्वविद्यालयों में प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, गंभीर अनियमितताएं निकल के आती है, फर्जी डिग्रियां हुई, इन मामलों में आपने किस तरह से क्या कार्रवाई की है और उसकी पालना के लिए किस तरह से कठोरता से कदम उठाए? देखिए, कठोरता से कदम उठा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सब हम लोग इंक्वायरीज कर रहे हैं, और जितनी भी हमारे जो ऐसे कॉलेजेस की शिकायतें आती है, यूनिवर्सिटीज़ की शिकायतें आती है, तो उनके ऊपर निरीक्षण होता है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ही कर रही हूँ, ये पहले भी करते आए। लेकिन इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा समाज जो है, उस समाज के अंदर ये सबकी जागरूकता इसमें ज़रूरत है। जहाँ हम अपने सोचते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज ही ना जाए और उसे डिग्री मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सोचते हैं, इसीलिए इस तरीके की डिग्रियाँ मिल रही है, बिकॉज सोसाइटी एज ए होल भी उतना उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम इस सारी चीज़ों के अंदर कैसे इसको अपना विचार रखते हैं, कि हम लोग अपने बच्चों को बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए,
उन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल जाए या उन्हें मिल जाए, तो ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। आज जो स्थिति बन रही है वो बहुत भयावह स्थिति बन रही है कि आज का जो बच्चा कॉलेज से अपनी पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के निकलता है, एक महीने बाद उसको पूछो उस पेपर के बारे में तो उसे कुछ भी नॉलेज नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो की पढ़ रहा है, आंसर बुक्स उसके पास में आ गई है कहीं से और उसी को पढ़ रहा है कि यही क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की तैयारी करनी है और वो तैयारी करके जा रहा है, तो एज ए होल जो उसका एक पढ़ना है वो पढ़ना नहीं हो रहा है, बस उसको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है इसलिए उसको पढ़ना है, वो पढ़ाई हो रही है। तो सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि हम तो कर रहे हैं बट गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर चेक कर रही है, पर एट द सेम टाइम पब्लिक को भी चाहिए कि वो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ या इस तरीके के कॉलेजेस में अपने बच्चों को न डाले जहाँ पर ऐसी फर्जी डिग्री या इसी तरीके से बिना क्लास अटेंड किए ही अगर वो लोगों को पास आउट हो रहे हैं, तो ये उनको भी सोचना है। गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान की जो दयनीय स्थिति है, ना तो विश्वविद्यालय में इतने कोर्सेज हो रहे हैं विषय पे और व्याख्याताओं की संख्या भी बिल्कुल मात्र दो पद, अभी हजारों व्याख्याताओं में दो पद हैं, तो उसमें आप कहाँ सोचते हैं कि हमारा जो साहित्य इतना अपना इतनी ज्ञान भरा पड़ा है राजस्थानी साहित्य में, तो उसको कैसे यूज़ करें और आने वाली पीढ़ी को वो उसमें डालें, उस पर आपका क्या विज़न है आपकी राजस्थान से? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थानी भाषा के ऊपर हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें ये जो पोस्ट की बात कर रहे हैं वो तो ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास में पद की कमी है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो भर्ती नहीं होना, मतलब ये कोई सरकार को, मैं किसी सरकार को आरोपित नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि रिटायरमेंट होते जाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद में उन पदों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जब वो सतत प्रक्रिया में कहीं स्टैग्नेंट हो जाता है, नहीं हो पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, तो फिर वो एक बड़ा गैप हो जाता है और उस गैप को अभी क्रिएट हो गया। अभी लगभग 2000 पद हमारे रिक्त पड़े हैं लेक्चरर्स के, आउट ऑफ विच हम लोगों को 1250 जो हमको मिल गए हैं सैंक्शन हुए फाइनेंस से, जिसकी हम लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी आरपीएससी के माध्यम से और अभी उनके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं और बहुत शीघ्र वो हो भी जाएंगे सब सिलेक्ट, लेकिन ये 1250 के बाद में अलावा उससे 800 जो है उसको भी हम लोगों ने पाइपलाइन में डाल दिया है, ताकि यानी आरपीएससी को सिलेक्ट करना है, अब आरपीएससी को सिलेक्ट करना है तो आरपीएससी के पास बहुत सारे काम है, केवल कॉलेज एजुकेशन ही नहीं, उनको सब, तो वो अपने प्रोग्राम्स बनाती है, तो अगर आपने उनको अपनी अर्थना भिजवा दी तो उसके बाद में वो अपने को स्पेस दे देंगे कि हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद कब आपका इंटरव्यूज़ का हम लोग कॉल करेंगे, तो ये जो भिजवाने वाली अर्थना भिजवाने वाली बात है वही इतने समय तक हुआ नहीं था, जिसको अब जाके शुरू हुआ है, तो ये 1250 भी आने से मुझे लगता है कि हमारे 60-65% पोस्ट जो है वो भर जाएगी, उसके बाद जो हमारी रेस्ट रहेगी वो भी अगले साल तक हम लोगों को, उसकी भी सैंक्शन हो चुकी है लेकिन वो भी अगले साल तक हम भर देंगे, तो मैं समझती हूँ धीरे धीरे हम लोग इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और ये जो लेक्चरर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए काफ़ी टाइम से मांग उठ रही है और आने वाले मानसून सत्र में उम्मीद जगाई जा रही है कि इसको मान्यता मिल जाए, तो उसमें आपका किस तरह से सहयोग या क्या रहेगा, और प्लस अगर ये हो जाता है बड़ा ऐतिहासिक काम आपके साक्षी में, तो उसमें राजस्थानी को इस कॉलेजों में और अनिवार्य विषय के रूप में अगर आप देखते हैं तो क्या समझते हैं इस बारे में? राजस्थानी भाषा को लेकर मैंने बहुत मेहनत करी थी जब मैं सांसद थी, तब ये बात है 2004 से 2008 की, जब हमने अपनी तरफ से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे और हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा राजस्थान की जो है उसको हम पार्लियामेंट में उसी से शपथ लें हम, और ये सोचते हुए हमने काफ़ी बार उठाया था, बट जो भी है अभी तक हुआ नहीं, और अब ये जो बन रहे हैं आसार के इस मॉनसून सेशन के अंदर अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है तो इससे और अच्छी बात और खुशी की बात हम राजस्थानियों के लिए और कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के अंदर अपना भाषण भी राजस्थानी में देते हैं और कपड़े भी राजस्थानी पहनते हैं, लोगों को ये फील होता है कि राजस्थान सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कलरफुल स्टेट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके की उनकी भाषा में जो मैनर्सफुल जो पूरा अदा है, जो एक कन्विंस करने के जो पावर है राजस्थानी भाषा में, वो और कोई लैंग्वेज में नहीं है, इतनी एटिकेट्स की लैंग्वेज है राजस्थानी, तो राजस्थानी तो जिस तरीके से पधारो मारे देश जो हम राजस्थानी कहते हैं, वो एक तरह का इतना आदर और सम्मान है इस राजस्थानी भाषा में जो होना बहुत ज़रूरी है, और सारे देश के अंदर राजस्थानी भाषा नहीं होना ये हम अपने आप में बहुत कमी महसूस करते हैं जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तब,
और आज मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट में इसको अगर हम पास करते हैं और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती है तो हम निश्चित रूप से अपने कॉलेजेस के अंदर भी राजस्थानी भाषा को हमारे राजस्थान के लोग पूरी तरीके से पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें, इसको एक्सप्रेस करें अपने व्यूज़ राजस्थानी के अंदर, ये हम निश्चित रूप से चाहेंगे। और इसलिए जो कुछ भी इसमें कॉलेज के अंदर सिलेबस में हम जोड़ पाएंगे वो ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें।